सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। 9th क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 66। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बनाओ जिसका लंब बी और आधार ए दिया हो। तो हमें दो चीजें दे रखी है, एक लंब दे रखा है बी और एक आधार दे रखा है ए। तो हमें पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये हमारा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें आधार ले रहे हैं ए। मैं यहाँ पे 7 सेंटीमीटर की एक रेखा ले रहा हूँ, ये है आपका ए। एक हमने लेनी है यहाँ पे भुजा, तो भुजा हम ले लेते हैं यहाँ पे। ये हमारी भुजा है और भुजा का नाम है बी। हमने क्या करना है, जितनी हमें आधार दे रखा है ये ए, इतना ही हमने इसी के बराबर हमने आधार लेना है। ये 7 सेंटीमीटर की रेखा है, तो मैं यहाँ पे 7 सेंटीमीटर की रेखा ले लेता हूँ यहाँ पे इस तरह से। अब ये कह रहा है कि ये जो है हमारा समकोण त्रिभुज है ये ए के बराबर है। समकोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री का कोण इसमें बनेगा हमारा। तो हम जो है वो ए पॉइंट पे यहाँ पे समकोण बना सकते हैं, बी पे भी बना सकते हैं आप, ऐसा नहीं है। अब कहीं पे भी एक कोण इसका समकोण बनना है तो वो जरूरी नहीं कि आपने ए पे ही बनाना है, आप बी पे भी एक समकोण बना सकते हैं। ए पे बनाओ चाहे बी पे बनाओ आपका गलत नहीं होगा, आप दोनों तरह से बना सकते हैं। यहाँ से ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा समकोण बन रहा है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये हमने डॉटेड लाइन लगा दी है और यहाँ से हमें रेखा खींचनी है एक। ये जो हमारी रेखा आएगी ये हमारी आएगी, अभी हल्की हम लगाएंगे, फिर हमने जो है वो इतनी रेखा ये लगानी है जितना आपका ये रेखा आपकी है। ये हम यहाँ से नाम देते हैं इसको और यहाँ पे हमने इसको काटना है, देख सकते ये यहाँ तक आ रहा है। हमने जो है यहाँ तक इसको लाइन को आगे बढ़ाना है, ये आप देख सकते हैं। इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं सी और हमने बी और सी को आपस में डॉट मिला देना इस तरह से, और हमने ए और बी को भी डॉट मिला देना इस तरह से। ये जो आपकी भुजा है ये है बी के बराबर, ये हमने ये लिख रखा है। ये आपका प्रश्न नंबर है 66, ये आपका बन के तैयार। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 67। एक समकोण त्रिभुज बनाओ जिसका कर्ण ए सी और एक आधार कोण सी दिया है। देखो ये भी समकोण त्रिभुज है तो इसमें इन्होंने कर्ण दे रखा है, तो हमें कर्ण ले लेते हैं ए सी। सबसे पहले ये हमारी भुजा है ए सी और एक इसमें कोण हमें दिया हुआ है, तो हम कोण ले लेते हैं सी कोण है जैसे, सी कोण ले लेते हैं यहाँ पे। देख सकते हैं इसका नाम है सी। सबसे पहले हमने जो अवकाशीय कर्ण दिया हुआ है ए सी, हमने इसका समद्विभाजन करना है। दोनों चापों को आपस में जहां कट रही है वहां पे हम इसको मिला देंगे डॉटेड
इस तरह से, और जहाँ पे ये एसी रेखा के संधि भाजन पे कर रहा है ये पॉइंट आपका आ गया ओ। यहाँ पे एक ओ पॉइंट है, हमने क्या करना है ओ पॉइंट पर प्रकार रखनी है और एक अर्धवृत्त बना देना है। वो आप ए या सी जितनी प्रकार खोलिए, एक साइड कोई आपने प्रकार खोलनी होती है, और यहाँ से हमने जो है वो अर्धवृत्त लगाना है। आप देख सकते हैं हमारे पास कोण दिया हुआ है C, तो हमने जितना कोण है C दिया हुआ इतनी प्रकार खोलनी है। देख सकते हैं यहां से हमने C पॉइंट, C कोण है तो C पॉइंट पर हमें इसको बनाना है। यहाँ देख सकते हैं इतनी प्रकार हमने खोल दी, जितना बड़ा आपका कोण है, और अपने यहाँ से हमें इसको ऐसे काट देना है। हमने क्या करना है इसको मिला दो सी को इस तरह से, जहाँ पे ये सी वाली रेखा आपके अर्धवृत्त की परिधि पे कट रहा है ये पॉइंट आपका आ गया बी। हमने बी और ए को भी आपस में मिला से, और हमने C और B को भी डार्क मिला दिया इस तरह से। ये हमारा बनके प्रश्न तैयार हो गया है, ये कौन C है और ये जो आपका प्रश्न है ये है 67, ये बनके तैयार।